हायाबुसा है, साउंड सुनना तो बनता है। अवेलेबल जो 5000 किलोमीटर ही चली है, 80-85000 में आप लेके आ सकते हो भाई। ड्यूक 200 पावरफुल मशीन रहने वाली, 460 किलोमीटर चली हुई है, और एक आप देखोगे 4800 किलोमीटर चली, 2300 किलोमीटर चली हुई है। कैमरा भी लगा है फ्रंट एंड बैक में। ओह क्या बात है, मतलब सेफ्टी भी, सेफ्टी भी रिकॉर्ड होते रहेगा फिर वो Z650 अवेलेबल है, 2018 की फर्स्ट ओनर है, 4000 किलोमीटर चली है। हाई एंड बाइक लेना तो Z900 लेना है। प्राइस जो है वो 1,50,000 रुपीज कोट कर रहे हैं, 50,000 रुपीज डाउन पेमेंट लगेगा। किलोमीटर भी 2600 किलोमीटर चली है। अपने वर्स में ना भाई बहुत लोग यंगस्टर्स भी है, बोलते हैं उन लोग को चाहिए GT650 अवेलेबल है ना भाई। बट 750 किलोमीटर चली हुई है भाई, ये भी 750 किलोमीटर चला। अरे क्या चली, सिर्फ 800 किलोमीटर चली है एक्चुअली, कुछ भी नहीं होता फिर 800 किलोमीटर। फिर 5200 किलोमीटर चली है, जीरो किलोमीटर, क्या कितना, जीरो किलोमीटर। हेलो रवि तभी यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइस ऑल आर फाइन एंड फिट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि तभी। बहुत लोग डिमांड कर रहे थे भाई F3 मोटर्स के लिए। यस गाइस, आपके डिमांड को मद्देनजर रखते हुए मैं आ गया हूं भाई सेकंड व्हीकल डील पर, जो रहने वाला है F3 मोटर जो लग रहा है दादर में। एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर ब्लिंक होता हुआ देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। आज का स्टॉक इतना फुली लोडेड रहने वाला भाई, आप देखते देखते थक जाओगे, हम दिखाते दिखाते थक जाएंगे। सो गाइस अटम ना लगा तो बुला लेते रहमान भाई को डिटेल देने के लिए। सो गाइस मिल लेते रहमान भाई से। रहमान भाई कैसे हो आप? सब बढ़िया सर, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। तो भाई अपना पहला वीडियो रहने वाला, क्या क्या स्टॉक लेके हो? पूरा का पूरा भंडार है पूरा यहाँ तो। देख रहे हो आप R15 के स्टॉक्स देख रहे हो लाइन से, पीछे ड्यूक दिख रहा है, NS हो गई राइट, फिर पीछे के ड्यूक का पूरा KTM का सेक्शन से अवेलेबल है। रॉयल एनफील्ड में भी आप देख सकते हो क्या बहुत सारे ऑप्शंस है। फिर उसके आगे आप देखोगे तो यामाहा में FZ में आपको कम से कम 10 से 11 ऑप्शंस मिल जाएंगे अवेलेबल। तो भाई यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सो गाइज स्टार्ट करते पूरा का पूरा R15 का लाइनअप है गाइज। सो यहाँ पे R15 M रहने वाली है, जो लेटेस्ट मॉडल रहने वाला है, जो क्विक शिफ्टर के साथ आता है। सो क्या डिटेल रहने वाला भाई? 2022 की फर्स्ट ओनर है, 5200 किलोमीटर चलिए, 1,90,000 कोट कर रहा है इसका। 1,90,000 में नहीं है ना फिर मेरे पास भाई, मैं लोन करवा दूंगा आपको। अच्छा कितना दो फिर? 30% डाउन पेमेंट होता है, तो उस हिसाब से आपको 50-55 डाउन पेमेंट हो जाएगा। यस गाइस, कंडीशन भाई आप देख सकते हो वेल मेंटेन में आपको देखने मिल जाते हैं। एंड भाई यहाँ पे और एक है, ये सिमिलर सेम है, बट ये 2022 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर, 5800 किलोमीटर चली है, ये 2,00,000 रुपए में आपको आ जाएगा। ये भी कम चला है? ये भी कम चला। क्या बात है भाई, कैश है तो भाई 2,00,000 में उठा सकते हो। ये वाली R15 M जो न्यू की कॉस्टिंग कितना है, काइंड ऑफ 100 मुंबई 250 की अराउंड होगी आई थिंक। मतलब आप भाई काइंड ऑफ 40-50,000 रुपीस आप बचा रहे हो राइट। सो यहाँ पे मॉन्स्टर एनर्जी जो है लिमिटेड एडिशन है इसका, सिमिलर कलर ही है, 2021 की फर्स्ट ओनर है, 5500 किलोमीटर चली है। ओके, बट ये आप देख रहे हो ये सेकंड ओनर है, तो इसका प्राइस जो होगा तब थोड़ा कम होगा कंपेयर टू 185 कोट कर रहे हैं इसका अभी हम लोग प्राइस। भाई ऐसा सेकंड ओनर ऐसा लगता ही नहीं है भाई, क्या यार इतना ब्रांड न्यू कंडीशन में आपको ये वाली R15 M देखने मिल जाती है। R15 V4 जो है right. वो V4 है, इसका दूसरा कलर है अवेलेबल, जो 2022 की है, फर्स्ट ओनर, 8000 किलोमीटर चली है। इसका प्राइस भी जो होगा वो 190 कोट कर रहा है। यहाँ पे आ जाते हैं R15 V3 पे, दो यहाँ पे R15 V3 है, फर्स्ट R15 V3 ये 2018 की फर्स्ट ओनर है, 20,000 किलोमीटर चली है। okay. इसका प्राइस जो है 130 कोट कर रहे हैं, 130 कोट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे और एक है, ये वाली जो है 2018 की एंडिंग का मॉडल है, फर्स्ट ओनर, 11,000 किलोमीटर चली है। okay. 1,35,000 कोट कर रहे हैं सर जी राइट। एंड यहाँ पे भाई मोस्ट डिमांडेड यहाँ पे भाई नेकेड बाइक है, MT-15 भाई ज्यादातर देखने मिलता नहीं है, वो भी इस कंडीशन में, अच्छे कंडीशन में। तो क्या डिटेल लेना भाई? ये 2021 की फर्स्ट ओनर है, आप अगर देख रहे हो तो 9,200 किलोमीटर चली है, 1,60,000 कोट कर रहे हैं। क्या बात है, 1,60,000 रुपीस। एंड यहाँ पे जावा 4-2.1 है कि नॉर्मल है? 2.0 है, ये लेटेस्ट मॉडल है। ओके, ये 2021 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर। अगर आप इसको देखने जाओगे तो ये 180-190 के लगभग आती है। ओके, एंड यहाँ पे जावा 4.2 और एक ये जावा 42 जो है वो 2020 की सेकंड ओनर है। ओके, 18,000 किलोमीटर चलिए, ये अगर 1,30,000 रुपीज कोट कर रहे हैं हम लोग। यस, एंड यहाँ पे जावा क्लासिक है भाई, जावा क्लासिक जो है वो 2020 का फर्स्ट ओनर है, 20,000 किलोमीटर ये भी चली हुई है, ये आपको आ जाएगी 135 में, 1,35,000 रुपीज में। एंड भाई जैसे मैंने बताया था कि डुकाटी चली है, वो भी 0 किलोमीटर, क्या कितना, 0 किलोमीटर। तो भाई यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराएंगे अपने व्यूअर्स का, ज्यादा खींचेंगे नहीं। एंड यहाँ पे भाई डुकाटी कौन सा रहने वाला है? ये 2023 की फर्स्ट ओनर है, 0 किलोमीटर है। इसका ऑन रोड प्राइस अगर आप देखने जाओगे तो 17,00,000 रुपीज के आसपास है। ओहो,
इंक्रीज 17 के ऊपर भी हो सकता है, 17 के नीचे भी, बट 17 लाख रुपीस के आसपास है, 13 लाख रुपीस कोट कर रहे हैं हम लोग, 0 किलोमीटर है, बस डिफरेंट ये होगा कि आप सेकंड ओनर हो गए, बस ये रजिस्टर्ड बाइक है। बट आपके लिए तो भाई ब्रांड न्यू कंडीशन ही होगा ना भाई, 0 किलोमीटर बोले तो भाई कुछ भी नहीं होता है, शोरूम से लेते हो तो भाई 1-2 किलोमीटर नॉर्मली चलता है, बट भाई इधर आपको मिल रहा सिर्फ और सिर्फ 0 किलोमीटर वाली डुकाटी। डुकाटी कौन सी है? डुकाटी मॉन्स्टर, मॉन्स्टर रहने वाली है। कंडीशन आप देख सकते हो भाई, टॉप जो लेटेस्ट मॉडल आया है इसका 937। कंडीशन आप देख सकते हो भाई, ब्रांड न्यू कंडीशन में। अगर आपका प्लान है भाई ये वाली बाइक लेने का, आप भाई शोरूम में मत जाओ, आप आ जाओ सीधा सीधा F3 मोटर्स में और लेके जाओ ये वाली डुकाटी मॉन्स्टर। यस, एंड यहाँ पे भाई ज़्यादातर देखने मिलता नहीं है कीवे का प्रोडक्ट। यस, तो यहाँ पे कीवे की स्कूटर है भाई, क्या डिटेल रहने वाला है? ये कीवे का जो है 2022 की ये फर्स्ट ओनर, 8500 किलोमीटर चली हुई है। ये लिमिटेड बाइक है, आपको ये रोड पे ज्यादा दिखेगी भी नहीं। 350,000 रुपीज कोट कर रहा है इसका, रोड पे ज्यादातर दिखेगी नहीं बिकॉज भाई ये लेटेस्ट लॉन्च है कीवे की तरफ से। एंड भाई अभी अभी कीवे का ब्रांड आया है भाई, कंडीशन आप देख सकते हो। एंड प्राइसिंग क्या रखा है इसका? 350 कोट कर रहा है, 350,000 कंडीशन आप देख सकते हो। तो इतना नहीं है ना फिर, इतना भारी अमाउंट नहीं है ना भाई मेरे पास यार। आप इसका भी लोन करा सकते हो ना, 30% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 70% का लोन, 30% के हिसाब से आपको इस पे 120 के आसपास डाउन पेमेंट आएगा। तो कहाँ तक होएगा फिर लोन, ये भी बता दो। समझ जाइए एक मैं आपका लोन करवा दूंगा, 2020-2030 तक हम लोग के साइड से कवर अप कर लेंगे लोन पे। रीजन क्या रहने वाला है, लाइक कहाँ तक होएगा? जैसे कि मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर आप कहाँ पे भी रहोगे तो वहाँ का लोन अप्रूवल हो जाएगा। मुंबई में भी अगर आप लोन करा सकते हो, जैसे कि विरार से लेकर खारघर तक, अच्छा ऑल ओवर मुंबई में आप किधर का भी रहने दो, डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए तो आप आइए, आधे घंटे के अंदर लोन अप्रूवल। क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह? जैसे कि आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, वोटर आईडी और लाइट बिल, और 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट। और भाई सिविल स्कोर आप अच्छा रखो भाई, सिविल अच्छा रखो आपका, थोड़ा कम में भी हो सकता है डीपी, राइट। सो यहाँ पे सिंगल लोग के लिए भाई यहाँ पे जावा पेरा क्या डिटेल है फिर? 2021 की फर्स्ट ओनर, सिर्फ 100 किलोमीटर ही चली हुई है। Okay. 1,85,000 रुपीस कोट कर रहे हैं इसका। Yes guys, 1.85। यहाँ पे ट्रायम्फ की ट्रक्सटर है, क्या डिटेल है फिर? 2017 की ये फर्स्ट ओनर, इसका प्राइस जो है 5 लाख रुपीस कोट कर रहे हैं। 5 लाख रुपीस कोट करे, कंडीशन भाई आप देख सकते हो, जिसको रेट्रो काइंड ऑफ बाइक चाहिए ये वाली कंसिडर कर सकता है। एंड भाई जिसको रेट्रो लुक में थोड़ा मॉडर्नाइज बाइक चाहिए, दिस इज बेस्ट बाइक। ये कीवे बैंडा है, 2023 की ये फर्स्ट ओनर। Okay. और सिर्फ 800 किलोमीटर चली है। क्या बात है? इसका प्राइस जो हम लोगों ने रखा है वो 3,90,000 रुपीज कोट कर रहे हैं, और इसको ऑन रोड प्राइस अगर आप देखना चाहोगे ना तो 5,10,000 रुपीज के लगभग इसका ऑन रोड प्राइस। आप कितना बचा रहे हो? ऑलमोस्ट 1,20,000 अराउंड। क्या ही चाहिए, और ब्रांड न्यू कंडीशन में आपको देखने मिली आती है, सिर्फ 800 किलोमीटर चली है एक्चुअली, कुछ भी नहीं होता फिर 800 किलोमीटर। फिर स्टार्ट करते हैं और एक लाइनअप से, होगा ऐसे आप देख सकते हो, दो यहाँ पे होंडा एनएस है, दो कलर में भाई, क्या डिटेल है ना? फर्स्ट होंडा एनएस 2020 की फर्स्ट ओनर, 10,000 किलोमीटर चली हुई है। ओके, और ये वाली अगर आप देख रहे हो तो 2021 की फर्स्ट ओनर, सिर्फ 6,000 किलोमीटर चली है, 2,10,000 रुपीज के कोट। एंड देन ये वो 2 लाख रुपए कोट कर, 2 लाख रुपए कोट कर, कंडीशन में आप देख सकते हो लेस ड्रिवन रहने वाली है भाई, 6,000 बोले तो कुछ भी नहीं होता है। एंड भाई जिसको एडवेंचर करना है, जिसको भाई टूरिंग करना है भाई, रॉयल एनफील्ड हिमालयन को भूल ही नहीं सकता, तो यहाँ पे भाई दो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड हिमालयन, क्या डिटेल है? फर्स्ट रॉयल एनफील्ड हिमालयन ब्लैक वाली जो अवेलेबल है वो 2017 की फर्स्ट ओनर है, 14,500 किलोमीटर चली हुई है। इसका प्राइस जो है वो 1,50,000 रुपीज कोट कर रहे हैं, 50,000 रुपीज डाउन पेमेंट लगेगा। क्या बात है भाई, 1,50,000 रुपीज में लेके आ सकते हो ये वाली रॉयल एनफील्ड हिमालयन, ब्लैक कलर में आपको देखने मिली आती है। हिमालयन स्लिप मॉडल अवेलेबल है, 2019 का है फर्स्ट ओनर, और 16,000 किलोमीटर अराउंड चली हुई है। इसका प्राइस जो है वो 1,85,000 कोट कर रहे हैं। यस गाइस, 1.85। एंड भाई ज्यादातर देखने मिलता नहीं है हिमालयन स्क्रैम 411 रहने वाली है, क्या डिटेल है फिर? ये 2022 की फर्स्ट ओनर है। हाँ? इसका किलोमीटर भी 2600 किलोमीटर चली है। Okay. और इसका प्राइस रेंज जो है वो 2,25,000 रुपीस कोट कर रहे हैं। न्यू का कॉस्टिंग क्या है फिर? न्यू का कॉस्टिंग आई थिंक 270-275 अराउंड है। यस गाइस, ऑन रोड मुंबई भाई थोड़ा प्राइस ज्यादा रहता है भाई कंपेयर टू अदर स्टेट्स। ओके, एंड यहां पे और एक कलर में ये ब्लैक कलर के अवेलेबल है, हिमालयन स्क्रैम 2022 की है फर्स्ट ओनर, बट इसका किलोमीटर 16,000 चली हुई है। ओके, बट इसका प्राइस भी है जो है वो 2,10,000 रुपीज़, 2,15,000 के अराउंड है। अपने व्यूअर्स में ना भाई बहुत लोग यंगस्टर्स भी है, बोलते हैं ना उन लोगों को चाहिए GT 650 अवेलेबल है ना भाई, बट कम बजट में चाहिए, कम बजट में चाहिए तो वो भी करा देंगे लोन। अच्छा, लोन के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। नहीं नहीं, बट प्राइस कम में चाहिए ना मेरे को। आपके अगर व्यूअर्स को हो गए तो हम लोन पे भी कम कर देंगे आपके लिए। यस गाइस, एंड यहाँ पे फर्स्ट रेड ब्यूटी है, यहाँ पे GT 650 लोडेड है, क्या डिटेल है फिर? 2021 की ये फर्स्ट ओनर, 3,100 किलोमीटर से चली हुई है सिर्फ। Okay. इसका प्राइस जो है वो 3.5 लाख कोट कर रहे हैं। Okay. कंडीशन भाई आप देख सकते हो लोडेड रहने वाली है भाई, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है इसमें, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है। यहाँ पे हेडलाइट्स भी आप देख सकते हो भाई, यस आफ्टर मार्केट रहने वाली। एंड यहाँ पे OG व्हाइट कलर में, ये 2021 की फर्स्ट ओनर, सिर्फ 1,300 किलोमीटर चली हुई है।
नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन है 3,40,000 रुपीज में, 3,40,000 रुपए। एंड भाई जिसको टूरिंग करना है एंड भाई चाहिए हैवी बाइक एंड भाई चाहिए हैवी सीसी बाइक, इंटरसेप्टर 650 इज द बेस्ट बाइक। यहाँ पे भाई पूरा पूरा लाइनअप है भाई। एंड यहाँ पे क्रो मिस्टर क्लीन क्या डिटेल है फिर? ये 2020 की है सेकंड ओनर और इसका किलोमीटर जो चली है वो 8,700 चली हुई है। इसका प्राइस जो है वो 2,80,000 रुपीज कोट का, 2,80,000 रुपीज। एंड यहाँ पे और एक है, ये 2019 की फर्स्ट ओनर है, आप यकीन नहीं करोगे 990 किलोमीटर चली हुई है सिर्फ। 1,000 के अंदर चला है? 1,000 के अंदर चली हुई है। चाहिए तो आप सर्विस रिकॉर्ड भी निकाल सकते हो इसका। 2,90,000 रुपीज कोट कर रहा है इसका, करेक्ट। एंड यहाँ पे ब्रेकर एक्सप्रेस, ब्रेकर एक्सप्रेस जो है वो 2022 की है फर्स्ट ओनर और 2,200 किलोमीटर चली हुई है, 3,50,000 रुपया कोट कर रहे हैं इसका हम लोग। भाई आपने एक चीज गौर किया है भाई, एफ थ्री मोटर्स में कम से कम मतलब जितने भी गाड़ियां में हम अपन देख रहे हैं भाई, सब लेस ड्रिवन ही रहने वाले, जितनी भी गाड़ियां होती है वो डायरेक्टली ओनर से परचेज की हुई रहती है हमारी बाइक्स और डायरेक्टली सब कंपनी रिकॉर्ड्स के साथ होती है। यस गाइस, आपको फिर जेन्युइनिटी का भाई तो कोई डाउट ही नहीं है, मतलब ये डाउट क्लियर कर देता हूँ क्योंकि कैसे कस्टमर्स लोग को वो चीजें जेन्युइनिटी लगना चाहिए। अब मैं सर्विस रिकॉर्ड निकाल के रखते हैं, हम लोग को निकालना नहीं पड़ता, मतलब एक्चुअली वो हम लोग चेक करते हैं क्योंकि कोई भी कंपनी हम लोग को रिकॉर्ड देती नहीं है क्योंकि उन लोगों का भी सिविल्स खराब होता है इसी वजह से। एंड यहाँ पे और एक है, यहाँ पे 2019 की ये फर्स्ट ओनर 17,500 किलोमीटर चली हुई है 2,45,000 रुपीज में, 2,45,000। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो भाई वो जी, यहाँ पे विंडशील्ड भी आपको मिल जाता है, यहाँ पे बकेट सीट वगैरह साइड में सैडल बैग्स के लिए, यहाँ पे टॉप बॉक्स के लिए भी रैक आपको देखने मिल जाता है। यहाँ पे मोस्ट डिमांडेड कलर है 100 350। 2023 की ये फर्स्ट ओनर सिर्फ 750 किलोमीटर चली हुई है भाई, ये भी 750 किलोमीटर चला है, अरे क्या चली हुई। इसका प्राइस जो है वो 2,05,000 रुपीज कोट कर रहे हैं हम लोग। ओके, एंड न्यू का कॉस्टिंग इसका भी क्या है? इसका भी आई थिंक 240 के अराउंड चल रही है, बट 1.5 महीना वेटिंग चल रही है। और भाई कमेंट में फिर ये नहीं बोलना कि भाई नया ले लूंगा, नए पे भाई फिर वेटिंग भी है और प्राइस भी ज्यादा, 1.5 महीने के आसपास वेटिंग है और ऑन में लोगे तो कम से कम 10,000 to 15,000 to 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा भरना। तो भाई आप बहुत सारा पैसा बचा रहे हो। एंड यहाँ पे और एक कलर में, ये 2022 की फर्स्ट ओनर सिर्फ 4,000 किलोमीटर चली है, इसका प्राइस जो है 1,985 है। एंड यहाँ पे भाई और एक कलर है ब्लू कलर में, क्या डिटेल रहने वाला व्हाइट एंड ब्लू कलर? 22 की फर्स्ट ओनर है, सिर्फ 2,700 किलोमीटर चली है, 2,05,000 रुपए में इसका भी 2.05। एंड यहाँ पे रेड कलर, ये 2023 की ये फर्स्ट ओनर सिर्फ 6,900 किलोमीटर चली है, इसका प्राइस जो है 2,15,000 को, 2.15। एंड यहाँ पे जिसको थंडरबर्ड चाहिए, थंडरबर्ड 350X है, थंडरबर्ड जो है वो 2019 का ABS मॉडल अवेलेबल है, 20,000 किलोमीटर चली है, 1,50,000 रुपीज डेढ़ पेटी में। एंड यहाँ पे भाई आप देख सकते हो क्लासिक 350 का पूरा लाइनअप है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो लगन ब्लू कलर में, यहाँ पे क्लासिक 350 क्या डिटेल है भाई? ये 2019 की फर्स्ट ओनर 18,500 किलोमीटर चली है, 1,85,000 रुपीज। एंड यहाँ पे सैंडस्टॉर्म कलर सिग्नल एडिशन क्या डिटेल है फिर? ये 2018 की ABS मॉडल है, फर्स्ट ओनर 23,000 किलोमीटर चली हुई है, इसका प्राइस जो है 1,70,000 रुपीज, 1,70,000 रुपए में। एंड यहाँ पे रेड रॉक कलर, ये 2019 की फर्स्ट ओनर 21,000 किलोमीटर चली है, अगर इसका भी प्राइस देख रहे हो तो आप 175 के रेंज, 175। एंड यहाँ पे व्हाइट कलर में, ये 2019 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर 17,000 किलोमीटर चली है, 175 में। यस। एंड यहाँ पे और एक है, ये चेस्टनट कलर है, 2017 की फर्स्ट ओनर 19,000 किलोमीटर चली है, 1,45,000 रुपीज में। बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये VIP नंबर है, 111। क्या बात है भाई, 111 आप देख सकते हो भाई, 111 रहने वाली है कंडीशन, आप देख सकते हो गार्ड्स वगैरह भी लग के आ जाते हैं आगे एंड पीछे। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रा ही है, ये इलेक्ट्रा है 2019 की, सिर्फ 3,700 किलोमीटर चली है। ओ, इलेक्ट्रा में 3,000 चला है, 3,000 चली हुई है, सिर्फ इसका कोट कर रहे हम लोग 1.5 लाख रुपए 2019 का, 1.50। एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड 500 है, 2019 की फर्स्ट ओनर 11,000 किलोमीटर चली है, 1,65,000 रुपीज। यस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो भाई हैंडल बार रेजर से आप देख सकते हो, एक्सटेंडर आप देख सकते हो, एंड यहाँ पे बकेट सीट भी आपको देखने मिल जाता है। तो भाई यहाँ पे क्लासिक 350, क्लासिक 500 एक्चुअली, ओके 500 है, ओके। 2017 की फर्स्ट ओनर 12,000 किलोमीटर चली है, 1,35,000 रुपीज, 1.35 में लेके आ सकते हो भाई। कंडीशन आप देख सकते हो वेल मेंटेन कंडीशन में आपको देखने मिल जाती है। एंड भाई अभी कावासाकी लवर्स के लिए भाई पूरा का पूरा लाइनअप है भाई, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे कावासाकी कौन सा है? 18 की ये फर्स्ट ओनर, ओके, निंजा 400 है, ओके, इसका प्राइस जो है 4,30,000 रुपीज को, 4.35। एंड नेक्स्ट है भाई मोस्ट डिमांडेड कावासाकी 650 भी है, ये 2017 की ये फर्स्ट ओनर, इसका किलोमीटर जो है 13,000 अराउंड किलोमीटर चली, ओके, इसका प्राइस जो है 4,75,000 रुपीज, 4.75। एंड यहाँ पे और एक 650 है, निंजा 650 है, 2021 की ये फर्स्ट ओनर, 14,000 किलोमीटर चली है, 675 कोट कर रहे हैं। एंड भाई जिसको फेयरिंग बाइक नहीं चाहिए अब आ जाते हैं भाई नेकेड पे।
पे चलो यहाँ पे 650 है, Z650 अवेलेबल है, 2018 की फर्स्ट ओनर है, 4.5 लाख कोट कर रहे हैं। ओके एंड यहाँ पे कंडीशन आप देख सकते हो, गार्ड्स वगैरह भी लग के आता है, विंडशील्ड पे आपको यूनिक देखने मिल जाता है। एंड भाई नेक्स्ट जो दो बाइक दिखा रहे हैं ना यंगस्टर्स में, तो भाई अभी दबदबा बन गया भाई, प्रीमियम बाइक लेना है कोई हाई एंड बाइक लेना है तो Z900 लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई दो दो Z900 है भाई, फर्स्ट डिटेल क्या देने वाला है, ये 2017 की सेकंड ओनर है, 21,000 किलोमीटर चली है इसका। इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है फुल सिस्टम। अच्छा मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे एग्जॉस्ट का जो कॉस्टिंग है वो 1,25,000 रुपीस है, 1.25। अरे बाप रे, एक्रोपॉविक ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगा है, फुल सिस्टम। प्राइसिंग क्या रहने वाला फिर ये 7,30,000 रुपीस कोट का। यस गाइस 7.30 में लेके आ सकते हो भाई Z900 रहने वाली है, कंडीशन आप देख सकते हो 2017 का मॉडल रहने वाला है। एंड यहाँ पे Z900 है, ये लेटेस्ट मॉडल अवेलेबल है, 2021 का है, फर्स्ट ओनर, सिर्फ 2,300 किलोमीटर चली हुई। Z900 इतना ही चला है? जी हाँ, इसका प्राइस रेंज जो है वो 10 लाख रुपए कोट कर रहे हैं। यस गाइस 10 लाख रुपए लेके आओ ये वाली Z900 लेके जाओ। एंड इस पे भी कितना दो फिर डीपी, काइंड ऑफ डीपी आप इसमें 3-4 लाख रुपए तक कर सकते हो, उतने में हो जाएगा, मतलब कंडीशन आप देख सकते हो भाई। एंड ये 2021 का मॉडल है बोले तो लेटेस्ट ही हो गया पूरा, TFT डिस्प्ले वाला। रहमान भाई क्या यार 10 लाख की गाड़ी दिखा रहा हो, एवरेज के लिए कुछ नहीं है, मिड रेंजर्स के लिए कुछ नहीं है फिर, है ना? अवेलेबल एवरेज के लिए आप देख रहे हो तो पूरा का पूरा लाइनअप लगे हुए। सबसे पहली बाइक आती है एवेंजर। यस जिसको कंफर्टेबल राइड करना है एवेंजर को भूल ही नहीं सकता, राइट? 2021 की है, फर्स्ट ओनर, 16,000 किलोमीटर चली है, 1,25,000 में। यस अगर इसको लोन कराना है तो इसमें भी आप 40,000 डाउन पेमेंट दीजिए, गाड़ी लेके जाइए। यस गाइस एंड भाई यहाँ पे 220 क्रूज रहने वाली, इसमें विंडशील्ड वगैरह, डिजिटल मीटर आपको देखने मिल जाता है, क्रोम एलिमेंट्स आपको देखने मिल जाता है, कंडीशन आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे FZ25 है, FZ25 जो है 2020 की है, फर्स्ट ओनर, इसका प्राइस रेंज जो है वो 1,35,000 रुपीस। यस 1.35। एंड यहाँ पे FZ25 और एक है, FZ25 जो देख रहे हो वो 2019 की है, फर्स्ट ओनर, ओके, इसका 1,20,000 रुपीस कोट कर। यस एंड यहाँ पे जिसको कमिटिंग चाहिए भाई, जिसको माइलेज भी चाहिए 150 cc में, दिस इज बेस्ट बाइक। एंड यहाँ पे FZS V3, ये सबसे पहली बाइक है जो 2019 की है, सिर्फ इसका प्राइस 95,000 रुपीस कोट। क्या बात है भाई, इसमें 30,000 रुपये डाउन पेमेंट कीजिए और लेकर जाइए। बाकी के डीलर्स भाई 1,00,000, 1,05,000, 1,10,000 कोट करते हैं, यहाँ पे आपको मिल रहा है अंडर 1,00,000 95,000 में। यस एंड यहाँ पे रेड कलर में, रेड कलर में जो है ये FZS है, 2021 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर, 23,000 किलोमीटर चलिए, इसका प्राइस जो है 1,20,000 रुपीस। यस 1,20,000। एंड और एक ये 2019 की है, फर्स्ट ओनर, सिर्फ 9,300 किलोमीटर चली हुई है, इसका प्राइस भी 1,00,000 रुपीस है। क्या बात है भाई। एंड यहाँ पे ये 2020 की है, फर्स्ट ओनर, इसका 1,15,000 रुपीस कोट का, 1.15। और एक ये FZS एक और एक है, 2021 की, फर्स्ट ओनर, सिर्फ और सिर्फ 6,300 किलोमीटर चली हुई है, 1,20,000 रुपीस में। आप देख सकते हो भाई एवरेज में भी लेस ड्रिवन ही आपको देखने मिला, ऐसा नहीं कि भाई एवरेज बाइक है तो ज़्यादा चला है, 20-30,000 चला, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, अंडर 10,000 ही आपको देखने मिल जाता है। एंड यहाँ पे FZS रेट्रो में जिसको जाना है भाई, दो दो कलर है, ये लेटेस्ट मॉडल है, 2022 का है, फर्स्ट ओनर, सिर्फ 3,500 किलोमीटर चली हुई है, इसका प्राइस जो है 1,35,000 रुपीस। क्या बात है 1.35। एंड यहाँ पे ये 2021 की सेकंड ओनर है, FZX, सिर्फ ये भी 5,000 किलोमीटर चली हुई है, इसका प्राइस रेंज जो है वो 1,15,000 रुपए। 1,15,000 रुपए जिसको टूरिंग करना है भाई, बजाज डोमिनर को भाई भूल ही नहीं सकता, यहाँ पे भाई बजाज डोमिनर 400, वो भी यूजी मॉडल रहने वाला, यूजी मॉडल है ये, लेटेस्ट मॉडल है, टूरिंग स्पेक्स वाली, 2022 की है, फर्स्ट ओनर, और 3,300 किलोमीटर चली है सिर्फ। अच्छा ये 2,45,000 रुपीस कोट। 2.45 में लेके आ सकते हो, बजाज डोमिनर 400 रहने वाली है भाई, ये लेटेस्ट मॉडल रहने वाला, जिसके साथ टूरिंग किट भी आपका अवेलेबल हो जाता है। एंड यहाँ पे डोमिनर 400 है, इसकी है डोमिनर 400, ओके, 17,000 किलोमीटर चली है, 1,70,000 रुपीस कोट कर रहे हैं। यस और एक डोमिनर 400, ये 2018 की है, फर्स्ट ओनर, 11,000 किलोमीटर चली है, ये 1,40,000 रुपीस में कोट कर रहे हैं। यंगस्टर्स को भाई पागल है NS के लिए जी, एक जो NS है वो NS 200 है, 2021 की, फर्स्ट ओनर, 8,000 किलोमीटर चली है, 1,30,000 रुपीस। यस ब्लू कलर में, ब्लू कलर वाली जो है वो 2021 की है, फर्स्ट ओनर, 6,000 किलोमीटर चली है, 1,40,000 रुपीस। क्या बात है। ग्रे कलर में, ग्रे कलर वाली जो है वो NS 125 है, ओके, वो सिर्फ 1,00,000 रुपीस में है, 2021 का मॉडल। क्या बात है भाई, NS का ब्रांड वैल्यू भी मिल जा रहा है एंड भाई एवरेज मिल जा रहा है, तो भाई फुल पैकेज आपको देखने मिल जाता है। एंड यहाँ पे मोस्ट डिमांडेड RS 200 है भाई, RS 200 जो है 2022 की, फर्स्ट ओनर है, सिर्फ 3,400 किलोमीटर चलिए, 1,65,000 रुपीस में। यस गाइस 1.65। एंड यहाँ पे मोस्ट डिमांडेड लेजेंडरी कलर है, यहाँ पे लेजेंडरी बाइक है, क्या डिटेल है, CBR है, CBR जो है 2020 की है, फर्स्ट ओनर, 12,000 किलोमीटर चलिए, 1,70,000 रुपीस में। यस गाइस 1,70,000। ये CBR कौन सा रहने वाला है, CBR
250 भाई 250 सीसी है, बाइक रहने वाली है। केटीएम लवर्स के लेके आ चुका है पूरा का पूरा केटीएम का लेना भाई। आप ये वाली स्टॉक देखोगे तब आपका दिल खुश हो जाएगा। सो गाइस यहां पे आप देख सकते हो केटीएम ड्यूक 390 मैड मशीन है भाई। क्या डिटेल है ना फर्स्ट केटीएम ड्यूक 390 फर्स्ट वाली जो है वो 2019 की सेकंड ओनर है 185,000 रुपीज में। यस, और एक ये सेकंड वाली जो है वो 2019 की फर्स्ट ओनर है 25,000 किलोमीटर चली है वो 2,00,000 रुपए में। थर्ड ये वाली जो है वो 2018 की सेकंड ओनर है वो है 185 में। यस, नेक्स्ट ये वाली जो है वो ड्यूक 250 है, ओके 2022 और फेसलिफ्ट वाला है ना ये, यहाँ पे एलईडी लिमिटेड एडिशन है, राइट 2200 किलोमीटर चली है 2,45,000 रुपए, राइट। क्या बात है, नेक्स्ट ये बाजू वाली जो है वो 2020 का फर्स्ट ओनर है, ओके ड्यूक 250 बट ये भी लेटेस्ट हेडलाइट वाली है, यस ठीक है। तो इसका 2,15,000 रुपए। यस, नेक्स्ट 200 है, ये ड्यूक 200 है, राइट सिर्फ और सिर्फ 80 किलोमीटर चली है। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं भाई सिर्फ और 80 किलोमीटर चला हुआ है, क्या बात है। 20 का ही मॉडल है फर्स्ट ओनर, उसका प्राइस जो है 2,15,000, क्या बात है। नेक्स्ट ये भी ड्यूक 200 है 2020 की है फर्स्ट ओनर, 10,000 किलोमीटर चली है 1,75,000 रुपीज। यस, और एक ड्यूक 200 है, ये है ये ओके 125 है, क्या हाँ ये ड्यूक 125 न्यू शेप है 2021 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर 1,45,000 रुपीज, क्या बात है। ओल्ड फेस में आ जाओ अभी, ये ओल्ड फेस में 2019 का मॉडल है फर्स्ट ओनर 1,20,000 रुपीज में। ये कौन सा ड्यूक 125 रहने वाली है। यस, और एक 200 ये है ड्यूक 200 सेकंड ओनर जो 1,25,000 रुपीज में, क्या बात है। और एक ड्यूक 200 2018 का मॉडल है फर्स्ट ओनर 25,000 किलोमीटर चली हुई है 1,35,000। यस, यहाँ पे और एक ड्यूक 200 है भाई, यहाँ पे नकल गार्ड्स के साथ। हाँ, ये लेकिन ओल्ड मॉडल है 2013 का मॉडल है बट आप कंडीशन देख सकते हो नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन है। 13 की फर्स्ट ओनर है 60,000 के अराउंड आसपास चली हुई है। इसका प्राइस हम लोग जो कोट किया है वो 80-85,000 रुपीज कोट किया है। यस गाइस 80-85,000 में आप लेके आ सकते हो भाई ड्यूक 200 पावरफुल मशीन रहने वाली है नकल गार्ड्स के साथ आपको देखने मिल जाती है। जिसको भाई नेकेड बाइक नहीं चाहिए आ जाता है भाई फेयरिंग बाइक पे। सो यहाँ पे आरसी सीरीज आरसी 200 है जो है 2021 का मॉडल है फर्स्ट ओनर सिर्फ और सिर्फ 2,000 किलोमीटर चली हुई है। क्या बात करो 2,000 किलोमीटर चला है, अरे क्या 2021 का मॉडल है 1,90,000 रुपीज, क्या बात है। नेक्स्ट व्हाइट कलर में आ जाता है अभी ये आरसी 125 है 2019 का मॉडल है फर्स्ट ओनर, इसका प्राइस जो है 1,40,000 रुपीज कोट का, क्या बात है। 1,40,000 रुपीज में आप लेके आ सकते हो भाई आरसी 125, इसमें माइलेज भी आपको देखने मिल जाता है एंड भाई आरसी मिल रही है आपको आरसी। यस यस, फेयरिंग बाइक का Right. सबसे पहले चीज 2022 की फर्स्ट ओनर न्यू शेप वाली आरसी है अवेलेबल जो 5,000 किलोमीटर ही चली है सिर्फ, क्या बात है। 1,90,000 रुपीज में, क्या बात है भाई 1,90,000 रुपीज में लेके आते हैं आरसी 125 भाई। ये न्यू फेस रहने वाली है, न्यू मॉडल रहने वाली है। न्यू फेस में और पावरफुल मशीन चाहिए अभी आते हैं भाई आरसी 200 पे। आरसी 200 के दो ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों भी 2023 का मॉडल है। अच्छा, एक 460 किलोमीटर चली हुई है और एक आप देखोगे 4,800 किलोमीटर चली हुई है। एक 2,35,000 रुपए की है, ओके, और एक 2,20,000 रुपए की है। दोनों भी 2023 का मोटो जीपी एडिशन है। आप देख सकते हो दोनों बाइक्स को भाई, कंडीशन आप देख सकते हो यार। आप केटीएम शोरूम मत जाओ भाई, आप सीधा आ जाओ F3 मोटर्स में और लेके जाओ ये वाली बाइक। कंडीशन दोनों के आप देख सकते हो। इसको भाई कम सीसी में एडवेंचर बाइक चाहिए, केटीएम एडवेंचर 250 का डिटेल लेने वाला भाई। ये 2021 की है फर्स्ट ओनर, 16,000 किलोमीटर चली है 2,30,000 रुपीज, 2.30 एंड यहाँ पे ये है 2020 की एडवेंचर 390, ओके जो फर्स्ट ओनर है 11,000 किलोमीटर चली भी है। इसका प्राइस जो है 285 कोट का, 2.85। कंडीशन आप देख सकते हो भाई, जिसको पावरफुल मशीन चाहिए एडवेंचर चाहिए एडवेंचर बाइक चाहिए जिसकी बेस्ट बाइक। एंड यहाँ पे और एक है, ये 2020 की है सिर्फ और सिर्फ 6,000 किलोमीटर चली है एडवेंचर। अच्छा। 390 3,10,000 रुपीज में। यस, एंड भाई ज्यादातर देखने मिलता नहीं है ये कलर में और ये कंडीशन में बेंटली 600 है, क्या डिटेल है फिर। ये 2016 की सेकंड ओनर है 32,000 किलोमीटर चली है 4.35 में लेके आ सकते हो बेंटली 600। तो भाई यहाँ पे थंडरबर्ड 350 है रहने वाली है, ओल्ड मॉडल रहने वाला थंब भाई, इसका वन ऑफ दी बेस्ट थंब है, क्या डिटेल है नाला भाई। ये 2019 की फर्स्ट ओनर है 9,000 किलोमीटर चली ABS मॉडल है, ओके सेफ्टी भी है बोले तो। इसका प्राइस जो है 1,45,000 रुपीज कोट कर रहे हैं। यस गाइस 1,45,000 रुपीज में आप लेके आ सकते हो भाई थंडरबर्ड, इसका भाई थंब तो नेक्स्ट लेवल आपको मिल जाती है। एंड भाई मेन चीज ABS से आपको प्रोवाइड हो जाती है बोले तो, सेफ्टी भी है। यहाँ पे आपके लेके आ चुका भाई शॉर्ट पिलन है विड पिलन है, क्या डिटेल है यहाँ पे शॉर्ट पिलन है। 2021 की फर्स्ट ओनर 20,000 किलोमीटर चली हुई है, इसका प्राइस जो है 1,75,000 रुपीज कोट कर रहे हैं। ओके, विट प्लेन है। और विट प्लेन जो है वो 2020 की है फर्स्ट ओनर 8,400 किलोमीटर चली है 1,75,000 रुपीज। इसको भाई एडवेंचर करना है और भाई BMW की ब्रांड वैल्यू चाहिए, यहाँ पे आपके लिए लेके आ चुका है भाई तीन यहाँ पे GSF फर्स्ट GS क्या डिटेल लेना भाई। 2021 की फर्स्ट ओनर है, टूरिंग एक्सप्रेस के साथ लगी हुई है, बागबास्टर का हैंड गार्ड है, इंजन गार्ड लगा हुआ है 3,55,000। यस यस, कंडीशन आप देख सकते हो फुली लोडेड ये बाइक रहने वाली है। ये वैसे GS अच्छा ये स्पेशल एडिशन वाला ना, स्पेशल एडिशन स्पेशल एडिशन रहने वाली है। नेक्स्ट ये भी 2021 की फर्स्ट ओनर है सिर्फ और सिर्फ 1,200 किलोमीटर चली हुई है। अच्छा,
3,40,000 रुपीज कोट कर रहे हैं। यस, कंडीशन आप देख सकते हो एंड यहाँ पे लोडेड, यहाँ पे आप देख रहे हो जो वो 2019 की है फर्स्ट ओनर, 17,000 किलोमीटर चली है, 2,85,000 रुपीज। वहाँ पे अपाची आर आर 310 दिख रहा है, अपाची आर आर 310 जो है वो 2018 की फर्स्ट ओनर है, 1,80,000 रुपीज। 1,80,000 रुपीज में लेके आ सकते हो। अपाची आर आर 310 रहने वाली है, फुल फेयरिंग बाइक रहने वाली, सिंगल सिलेंडर में भाई दी बेस्ट बाइक रहने वाला है। सोच अभी आ जाते हैं प्रीमियम बाइक्स पे, प्रीमियम लाइनअप पे आ जाते हैं भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो बेंटली की प्रोडक्ट है। बेंटली क्या डिटेल लेने वाला भाई? लियोनचिनो 500 है, 2022 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर, 3,800 किलोमीटर चली है सिर्फ। ओके, 4,60,000 रुपए में। यस गाइस, 4.60। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो हार्ली स्ट्रीट रॉड जो 2018 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर, 9,200 किलोमीटर चली है, 4,25,000 रुपए में। यस गाइस, एंड यहाँ पे प्राइम स्ट्रीट ट्विन, स्ट्रीट ट्विन देख रहे हो, 2018 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर, 13,000 किलोमीटर चली है, 5,80,000 रुपए। क्या बात है भाई। एंड यहाँ पे स्ट्रीट आप देख रहे हो स्ट्रीट ट्विन रिटर्न से जो 2020 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर, 6,400 किलोमीटर चली हुई है, 7,50,000 रुपए। क्या बात है। यहाँ पे वर्सेस है टॉप बॉक्स के साथ। यहाँ पे आप टूरिंग बाइक जो देख रहे हो वर्सेस 2016 की फर्स्ट सेकंड ओनर है, 27,000 किलोमीटर चली है, 5,35,000 रुपीज। यस गाइस, एंड आप देख सकते हो एक्सेसरीज वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑक्सिलरी लाइट्स आप देख सकते हो, गार्ड्स आप देख सकते हो, एंड मेन चीज भाई टॉप बॉक्स भी आपको देखने मिल जाता है। एक और एक ऑप्शन है, अच्छा कैमरा भी लगा है फ्रंट एंड बैक में। ओह क्या बात है, मतलब सेफ्टी भी, सेफ्टी भी रिकॉर्ड होते रहेगा फिर वो रहेगा। एंड यहाँ पे टीआर के मोस्ट डिमांडेड देख रहे हो आप जो 2030 की फर्स्ट ओनर, सिर्फ और सिर्फ 3,600 किलोमीटर चलिए, 6,500,000 रुपए। यस गाइस, एंड यहाँ पे यार मेरा फेवरेट, मेरा पर्सनल फेवरेट यहाँ पे 900 GT है, ट्रायम्फ, ट्राइम 900 GT 2022 की मॉडल है, फर्स्ट ओनर, 9,500 किलोमीटर चली है, इसका प्राइस जो है 14,50,000 रुपीज। क्या बात है भाई। एंड अभी आते हैं भाई धूम मचाले बाइक पे, क्या बोलते हो? मोस्ट डिमांडेबल बाइक। यस गाइस, आपने सही गेस किया है, हियर वी आर प्रेजेंटेड टू यू सुजुकी हायाबुसा भाई द मॉन्स्टर। क्या डिटेल लेने वाला है? 2017 की है, फर्स्ट ओनर, 14,000 किलोमीटर चली हुई है, 13,00,000 रुपए कोट करे। साउंड सुन लीजिए आप। अच्छा, अरे हाँ यार हायाबुसा है, साउंड सुनना तो बनता है। मैड है फिर तो। 13,00,000 रुपए कोट कर रहे हैं इसका। ओके, इसमें फाइनेंस भी अवेलेबल है। सो गाइस, वीडियो यही तक का था, स्टॉक यही तक का था। इसमें से कौन सा भी स्टॉक आपको पसंद आती रहेगी आप कांटेक्ट कर सकते हो F3 मोटर जो लग रहा है दादर में। एड्रेस एंड कांटेक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर ब्लिंक होता हो देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो भाई अपने व्यूअर्स को रीच आउट करना है, कैसे रीच आउट का एड्रेस बता दो, थोड़ा ग्लिम्स दे दो ना। सबसे पहली बात आपको दादर पता है, दादर सुषेणा भवन, सुषेणा भवन के अपोजिट में कोहिनूर स्क्वायर मॉल है, उसमें आपको गेट नंबर 2 या गेट नंबर 3 से एंट्री करना है, बेसमेंट 2 में आना है, लिफ्ट से डायरेक्टली आओगे तो विजिट कर सकते हो हमारे शोरूम। यस गाइस, एंड भाई लिफ्ट सामने ही आपको देखने मिल जाएगा। आई होप आपके पूरे डाउट्स क्लैरिफाई हो गए रहेंगे। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बी अनस्टॉपेबल। पीस।